हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल लर्न स्किल्स विद वैष्णवी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो में क से अड़ा तक के वर्णाक्षर सीखे थे, तो आज मैं उनका रिवीजन कराऊंगी। जल्दी जल्दी हम उसका रिवीजन करेंगे और आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी रिवीजन करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि का हम लाइट लिखेंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में का यहाँ लिखा हुआ था। का मेरा ये भी सही है, बट मैं कंपैरिजन इसका करा रही हूँ क, च और टा का, इसलिए मुझे का वर्ग को इस लाइन पे लिखना चाहिए था, क्योंकि इस लाइन को सारे छू रहे हैं। जबकि मेरा पिछले वीडियो में अगर मैं कंपैरिजन के तौर पे ना करूँ तो वो भी मेरा सही है। तो आगे चलते हैं, ये हमारा ख, लाइट, लाइन और कट, ये सारे 0 डिग्री पे होते हैं का वर्ग। गा हमारा डार्क बनेगा, घा हमारा आप देख सकते हैं कि गा की तरह बना हुआ है और इसमें एक कट है। अंगा देखिए हमारा, ये डार्क बना हुआ है अर्धचंद्रमाकार। आइए चलते हैं चा की ओर, ये देखिए हमारा च लाइट ऊपर से नीचे है, छ हमारा लाइट कट है, ज लाइट डार्क है सॉरी, और झा हमारा डार्क कट है, और यहाँ हमारा ना की तरह है अर्धचंद्रमाकार। आगे आप जानेंगे कि ना कैसे लिखते हैं। टा लाइट, था लाइट कट, डा डार्क, और ढ डार्क कट है, अड़ा हमारा ना की तरह है, और ये रा मैंने बताया था बिना कट का। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसकी लिंक पर जाकर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम जानते हैं पिछले वीडियो का आंसर। तो ये देखिए, ये हमारा क है, ये लाइट है, ये हमारा अड़ा या इया है, ये हमारा टा है, और ये हमारा डा है जो कि डार्क है, ये हमारा जा है जो कि डार्क राइट साइड की ओर झुकाव में है। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आइए चलते हैं कि ता कैसे लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, ता वर्ग 2 तरीके से लिखा जाएगा। त से धा तक के जो व्यंजन हैं वो 2 तरीके से लिखे जाएंगे, वो दायां और बायां। आइए चलते हैं, जानते हैं कैसे लिखेंगे। पेंसिल शार्प रहे, ध्यान रखते रहिएगा। ता हमारा ये ऐसे अर्ध सर्कल के रूप में, हाफ सर्कल के रूप में ऐसे लाइट बनेगा, इसमें नो कट एंड नो डार्क, ये ना कट बनेगा ना डार्क होगा। अब हम आते हैं था की ओर, देखिए जैसे कि हमने खा बनाया था का की तरह, वैसे ही ये देखिए ता की तरह मैंने था बनाया हुआ है, और था में हम कट कर देंगे, ये हमारा था बन गया। इसको हम बोलेंगे बायां कट यानी लेफ्ट ता, और इसको बोलेंगे हम राइट ता यानी कि दायां ता, इसको हम बोलेंगे बायां था यानी कि लेफ्ट था, और इसको हम बोलेंगे राइट था यानी कि दायां था। ठीक उसी प्रकार अब हम ता को डार्क कर देंगे तो ये हमारा दा बन जाएगा। ये देखिए ये हाफ सर्कल है, अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये देखिए हमने दा की तरह धा बनाया, और दा में हम सॉरी धा में हम कट कर देंगे तो ये हमारा धा बन जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ना भी 2 तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन ना ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ना हमारा एक ये हाफ सर्कल के रूप में बनेगा। पेंसिल 2 बार हमें कहीं नहीं चलानी है, सिर्फ 1 ही बार चलानी है। तो ये देखिए ये मेरा ना है, और मैं एक आपको और बताऊँगी, ये रहा, ये हमारे 2 तरीके के ना बनते हैं। माँ में भी ऐसा ही होगा, आपको आगे मैं क्लियर करती हूँ। आइए चलते हैं पावर्ग की ओर। पावर्ग जो होता है वो हमारा 120 डिग्री पर होता है, जबकि कावर्ग हमारा 0 डिग्री पर, चावर्ग हमारा 60 डिग्री पर, और टावर्ग हमारा 90 डिग्री पर, और पावर्ग जो होता है वो हमारा 120 डिग्री पर होता है। ये सारे मैं झुकाव बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि कितना झुकाव होता है। अब हम चलते हैं फा की ओर, ये देखिए पा मैंने बिना कट लाइट बनाया हुआ है। अब आप बताएंगे कि फा कैसा बनेगा, तो जी हाँ, पा में अगर कट लगा देंगे तो फा बन जाएगा, लाइट कट फा,
ये रहा हमारा बा, ये डार्क बनेगा, इसमें कोई कट नहीं लगेगा। जबकि हम बा बनाएं और बा में कट लगा दें तो ये हमारा भा बनेगा। आइए चलते हैं माँ की ओर, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ना और माँ में अंतर, ये देखिए मैंने अर्धचंद्रमाकार ये ना बनाया था, तो जब ना में मैं कट कर दूंगी तो ये माँ होगा। और उल्टे वाले माँ में, यानी कि ये जो उल्टा चंद्रमा है इसमें अगर मैं कट ना लगाऊं तो ये मायू माँ बनेगा। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर हम बिना कट वाले न और माँ का यूज़ करेंगे। हमें कोशिश करनी है कि बिना कट वाले न और माँ का यूज़ करें, बहुत जितना हो सके तो हम ना और माँ बिना कट यूज़ करें, और जहाँ नहीं यूज़ होगा वहाँ हम कट वाला यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं य र लवा की ओर। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यह कैसे बनता है। फ्रेंड्स, यह हमारा देखिए हाफ सर्किल अंदर की ओर ऐसे बनता है, ये देखिए ये हमारा या है, ठीक है, ये हमारा या है। अब मैं आपको बता दूं कि रा हमारा दो तरीके से बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 35 डिग्री के झुकाव में है। मैंने आपको बोला था ना कि च ऊपर से नीचे आता है और ये नीचे से ऊपर जाता है, ये ऊपर गया और ये देखिए ये नीचे आया। आपको अड़ा में मैंने बताया था कि रा ऐसे लिखते हैं, रा में कट लगा देंगे तो वो हमारा अड़ा बनेगा। ये देखिए ये नीचे से ऊपर गया और यही हमारा ऊपर से नीचे ये आ गया। अब हम चलते हैं अपने ला की ओर। ला भी हमारा दो तरीके से बनेगा, ये देखिए ये हमारा ऊपर वाला ला है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला ला है, ये देखिए ये हमारे दो तरीके के ला बनेंगे, ये नीचे वाला है। अब देखिए या जो था ये हमारा अंदर की ओर झुका हुआ है, अब यही वा जो है ये हमारा खुला बनेगा ऐसे। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वन, ये देखिए वा है जो हमारा ये खुला हुआ है और न जो है ये भी खुला हुआ है। तो जब हम वन लिखेंगे तो वन को हम ऐसे लिखेंगे, व और न, ये हो गया वन। और अगर हम यम लिखें एक टेक्निक के तौर पे तो हम य और मा, ये ट्रिक है मेरी कि इससे मुझे क्लियर हो जाए, यम जो होता है वो बंद होता है और जो वन होता है वो खुला होता है, इसलिए व और ना दोनों खुले रहेंगे। आइए चलते हैं अब हम श श श। शॉर्ट हैंड में तीनों श एक ही तरह से लिखे जाते हैं, शॉर्ट हैंड में हम प्रोनंसिएशन के हिसाब से अपना श लिखते हैं। आइए मैं बताती हूँ आपको श कैसे लिखेंगे। ये देखिए तीनों श हम एक ऐसे, ये हमारे दो तरीके से बनेंगे, ये जैसे हमने ता वर्ग में दायां बायां पढ़ा था वैसे ही, ये जुड़े नहीं हैं, ध्यान रखिएगा ये अलग अलग है। इसको हम लेफ्ट शा कहेंगे या सा शा शा शा, तीनों शा ऐसे ही बनेंगे। और एक ये है, ये हमारे दो शा हैं, एक इस तरह का भी शा आपको मिलेगा, ये ऐसा शा, ये दोनों एक ही चीज़ है। जब आप कोई वर्ड लिखेंगे इससे जोड़कर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अभी आपको लग सकता है कि ये मैंने नहीं बताया, इसलिए मैं आपको ये दोनों क्लियर कर रही हूँ। तो ये है हमारा लेफ्ट सा और ये हमारा राइट सा, ठीक इसी प्रकार ये है हमारा लेफ्ट सा और ये है हमारा राइट सा। आइए चलते हैं हम हा की ओर। तो हाँ देखिए ये मैंने हाफ सर्किल बनाया, ये ऐसे पूरा हुआ और ये ऊपर की ओर गया, और ये हाफ सर्किल बनाया और ये नीचे की ओर आ। ये दोनों दोनों हम किसी भी अक्षर में यूज़ नहीं करेंगे, मतलब किसी भी शब्द को लिखने के लिए हम दोनों यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक यूज़ करेंगे, ये मेरा ऊपर हा और ये मेरा नीचे वाला हा, ठीक है। अब हम चलते हैं छ की ओर। मैं आपको बता दूं कि छ, त्र और ग्या ये जो होते हैं ये दो अक्षरों के मेल से होते हैं, जैसे छ जो है वो च और छ के मेल से भी बनता है और कहीं कहीं क और छ के मेल से भी बनता है। त्रा जो होता है वो ता और रा के मेल से बनता है, जबकि ग्या जो है वो ग और या के मेल से बनता है। तो छ आपको एक ऐसा मिलेगा, ये च और छ मैंने लिखा हुआ है, दोनों लाइट हैं और छ ये मैंने बना, और कहीं कहीं ये आपको का और ये छ ये रहा, ठीक है। त्रा हमें ता और रा, लेफ्ट ता की तरफ अगर देखें तो हमारा नीचे वाला रा बनेगा और
ये सब आपको मैं डिटेल में और बताऊंगी। और राइट वाले त के साथ हम ऊपर वाला रा यूज़ करेंगे। ज्ञा हमारा ग और या बनता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि इसको और अच्छे से कैसे लर्न करें। मैं आपको थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगी। आइए चलते हैं। ये देखिए, मैंने ये एक लाइन खींची है और इससे मैं आपको ल, र और श में थोड़ा बताऊँगी। ये देखिए, ये है मेरा ऊपर वाला ला। ये देखिए, ये हुआ मेरा ला। और आपको जैसा पता होगा कि ये नीचे वाला ये जो होता है ये रा होता है। जब हम ऐसे आएंगे तो ये हमारा रा बनेगा। और ये देखिए, मैंने इसको बताया था ये शा, ये कोई भी हम शा लिखें ये तीनों शा होंगे। श श यानी श शीटी वाला, श षटकोर और सा सपेरा, ये तीनों शा हमारे ऐसे ही बनेंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगी, यदि आपने ये याद कर लिया ल र श, तो आपके डाउट 90% तक सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे चीज़ की ओर, यानी दूसरे मेथड की ओर। ये देखिए, ये मैंने क्रॉस बनाया और क्रॉस को अगर मैं 360 डिग्री में लेके जाऊं, ये देखिए, ये मेरा माँ है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा बिना कट वाला माँ। ये देखिए, ये मेरा राइट ता है, ये ता है मेरा राइट वाला। और ये देखिए, ये मेरा खुला अर्ध चंद्रमा का ये मेरा ना है। और ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट ता है। तो हो गया 360 डिग्री। आपको सिर्फ दोनों में 360 डिग्री लर्न करना है। और प्लस की ट्रिक होगी, यानी ये मैंने पहले प्लस बनाया था, तो प्लस की ट्रिक है ल र श लरश। और क्रॉस की ट्रिक है तम तन। ये देखिए, है ना अच्छी ट्रिक। आई होप आपको पसंद आई होगी और ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर करेगा। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपको एक्सरसाइज देने की ओर। जी हाँ, अब मैंने जैसा कि आपको सब समझा दिया है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, ज़्यादा नहीं होंगे। इसको आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या फिर आप मुझे वैष्णवी लर्न स्किल नेम की आईडी में भी इसके पिक खींचकर भेज सकते हैं। तो आपको आज लिखना है कि का हम कैसे लिखेंगे, ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं शॉर्ट हैंड के देती हूँ। तो पहले ये बताइए, ये क्या है? ये लाइट है लाइन पर लेफ्ट साइड के झुकाव में, ये है राइट साइड के झुकाव में लाइट, और ये है राइट साइड के झुकाव में डार्क है। ये मैं आंसर बोलने वाली थी, ये है हमारा डार्क, जैसा कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर। ये अब मैं लाइन खींच रही थी ये, तो अब मैं आपको ये देती हूँ, ये हिंदी वर्ड्स हैं, तो आपको ये बताना है कि ये कैसे लिखे जाएंगे, ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा। का, गा, पा और चा, सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि ये कैसे लिखे जाएंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।